इसका उत्तर बताता हूँ। इसके लिए सबसे आसान और सबसे मजेदार ध्यान है साक्षी ध्यान। साक्षी अर्थात विटनेस। अभी आप जो हमारी बात को सुन रहे हैं, इसके अलावा भी आप किसी ध्वनि को सुन रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, इस पे आपका ध्यान जाता हो, ये भी ध्यान है। सबको एक गवाह के तरीके से, एक विटनेस के तरीके से देखते जाना है, सिर्फ देखना और महसूस करना है, उस पे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जिस तरह से न्यायालय में, कोर्ट में कोई गवाह, कोई विटनेस खड़े होकर जज को बताता है, हमने ये देखा, वहाँ लाठी चली, उसने गाली दी, उसने प्रेम से बात की, उसने कुछ नहीं किया वगैरह, गवाह की ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुमने बताया क्यों नहीं, लाठी चल रही थी, लाठी पकड़े क्यों नहीं जाते थे, मारपीट हो रही थी उसे रोके या नहीं, इस पे सवाल नहीं होता। गवाह सिर्फ बता देता है घटना को, सिर्फ वो एक दृष्टा होता है। ध्यानकर्ता को भी एक दृष्टा बनना है, देखना है परिस्थितियों को, बाहर की परिस्थितियों को, मन की परिस्थितियों को, विचारों की एकाग्रता को, और विचारों की भटकन को भी देखते हैं हम साक्षी ध्यान में, गवाह की तरह से, एक विटनेस की तरह से। दूर से आती सबसे धीमी आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, शरीर पर किसी कीट पतंगे का, मक्खी का, मच्छर का बैठना, सबका दर्शन साक्षी भाव से, साक्षी ध्यान, जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी, बाहरी आवाज, मन में चल रही हलचल, इस बीच यदि ध्यान भटके तो ध्यान की भटकों का, भटकनों का भी साक्षी मैं अर्थात आत्मा जो हमें चला रहा है, वो आत्मा पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में, कोई फर्क नहीं, वो आत्मा है। मैं अर्थात आत्मा, आत्मा साक्षी जमीन पे बैठे ध्यान कर रहे इस शरीर का साक्षी मैं, इस मन का साक्षी भी मैं, भटकते हुए विचारों का साक्षी मैं तत्व आत्मा अहम, आत्मबोध मैं, साक्षी मैं, गवाह मैं। ध्यान के दौरान शरीर को हो रहे अनुभवों का साक्षी मैं, सबके भीतर बैठा मैं, आत्मा आती जाती श्वासों का साक्षी मैं, श्वास अंदर जा रही है नासिका छिद्रों से, गुजरती गले से, रगड़ती फेफड़ों तक पहुंचती सांस, और सांसों का साक्षी मैं आत्मा, जमीन पर बैठे शरीर का साक्षी भी मैं, आत्म तत्व। परम तत्व का छोटा सा अंश, उस ब्रह्मांड को चलाने वाली दिव्य सत्ता,
अलग अलग नामों से जानी जाने वाली परम सत्ता का अंश मैं, जैसे सागर के पानी का अंश, पानी की बूंदें, घर का पानी, नल का पानी, उसी तरह परम तत्व का अंश मैं, साक्षी, गवाह, शरीर की अनंत यात्रा, वर्तमान यात्रा इस शरीर में, जमीन पर बैठकर ध्यान करता, साक्षी ध्यान करता शरीर, और शरीर का साक्षी मैं, धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाएंगे बिना झटके के, धीरे धीरे हाथों को, पैरों को हिलाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों की सेंक, बंद हथेलियों के अंदर आंख खोल के, दोनों खुली आंखों से हथेली के अंदर का अंधेरा देखने का प्रयास, दिव्य अंधकार, हाँ अंधकार भी दिव्य हो सकता है यदि ध्यान से जुड़ जाए, दिव्य कालिमा का दर्शन, आंखें खुलती बंद होती अंधेरे के अंदर, पलकों को झपकाना, और अब हाथ अलग,